अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों की दाल। इसके लिए चाहिए हमें उड़द दाल। जैसे मैंने आधा किलो दाल ले लिया है, आधा से पौ किलो आप ले सकते हो। इसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और दोपहर पानी में धो लिया। ये जैसे मेरे गार्डन के अरवी के पत्ते हैं जो कि मैंने झाड़ से तोड़े हैं, तो आप लोग को मार्केट से भी मिल जाते हैं ये, या चाहो तो आप अरवी पेड़ में से आपके झाड़ा भी उठ जाते हैं। तो ये जैसे अरवी के पत्ते हैं, मैं दाल को कुकर में चढ़ा दूंगी। जैसे मैंने कड़ी पत्ता लिया है, 5-6 पत्ते और 1 चम्मच अदरक लहसुन, 1 गिलास पानी डाला है मैंने दाल में, और 1 चम्मच हल्दी और 2 कटे हुए टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च, और इसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से आप, और कुकर का ढक्कन लगा के इसे 3 सीटी आने तक चढ़ा रखिए। ये जैसे अरवी के पत्ते हैं जो कि इसके मैं डंठल निकाल लूँगी पीछे से, ये मोटे वाले गलते नहीं हैं जल्दी, तो इसके पहले आप डंठल निकाल लीजिए, ये देखिए, और इसे बारीक बारीक से कट कर लीजिए। पूरे एक साथ रखिए, रख के एक के ऊपर एक रख के बारीक बारीक से कट कर लीजिए इसे। ये देखिए मैंने रख दिया है और पीछे से डंठल निकाल लिया। इसे अच्छे से फोल्ड कर दीजिए, करके इसे बारीक सा कट कर लीजिए। ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है अरबी के पत्ते। ये देखिए मैंने बारीक से कट कर लिए हैं। अब ये आप देख रहे हो, अब जैसे दाल भी गल चुकी है, अब मैं इसे हल्के से घोट लूँगी। ये देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है और ये अरवी के पत्ते मैं डाल दूंगी इसी में कुकर में, डाल के एक 5 मिनट के लिए फिर से 1 सीटी आने तक चढ़ा लूंगी ताकि अरवी के पत्ते अच्छे से गल जाए। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये देखिए अभी फिर से मैं 1 सीटी आने तक रख दूंगी। ये देखिए पत्ते गल चुके हैं अरवी के, अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, और इसे थोड़ा सा घोट लीजिए। आप दाल घोटनी से आप इसे स्मैश कर लीजिए, या दाल घोटनी नहीं है तो आप इससे भी आप घोट सकते हो, या चम्मच से भी आप घोट सकते हो। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे घोट लिया है। अब जैसे मैंने इमली भिगा कर रख दिया था 10 मिनट पहले, अब मैं उसका जूस डाल लूँगी। तो अगर आपको खट्टा चाहिए तो आप इमली का जूस डाल लीजिए और 1 से 2 चम्मच नमक डाल दीजिए, स्वाद अनुसार आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। अगर आपको इमली नहीं चाहिए तो आप लास्ट में जैसे खाते वक्त नींबू भी आप डाल के खा सकते हो। अब जैसे मैंने राई जीरा, ये जैसे मेरे पास मिक्स रहता है तो मैंने वो डाल लिया 1 चम्मच, और कश्मीरी सूखी लाल मिर्च डाल लिया है, 5-6 लहसुन के पौध डाल लिया, और कड़ी पत्ता डाल दिया है, और 1/2 चम्मच हींग का तड़का डाल दिया है, और हल्के से इसे सौटे कर लूँगी लाइट ब्राउन कलर में। ये देखिए दाल मेरी पक के रेडी हो चुकी है। अब मैं ये जो तड़का है दाल में डाल दूँगी और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब जैसे थोड़ी सी दाल आप इस पैन में डाल के, ताकि तेल जो है जीरा राई तेल जो है बघार का तड़के का, वो भी अच्छे से निकल जाए। ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। दाल कैसी बनी ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।